हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, इस समय बजे हैं दोपहर के 2 और मैं कहाँ आ गई हूँ, फिर अपने पुराने वाले घर में। अंधेरा अंधेरा आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं घर में यहाँ पे आई हूँ एक सफाई कर्मी बन के आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। तो सफाई कर्मी नहीं, हाँ मैं आई थी यहाँ पे, थोड़ा अपना घर है क्या सफाई कर्मी करना बनना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ देखिए, ये सब रूम इस तरीके से साफ सफाई मेरा ये सब हो चुका है। आज कमरा पूरे अच्छे तरीके से धुल दी हूँ और जो कूड़े कबाड़े हूँ उसे एक साइड में रख दी हूँ। सामान तो यहाँ से चला गया था बट एकदम उसी हालात में था कि देखने लायक नहीं था। और मैं खुद इसमें कैसे आई हूँ, अंधेरा थोड़ा सा इसमें लगता भी है। और ये टेडी बियर उतारना है तो अभी टैडिंग मेरा हमारा यहाँ पे वो वाला ऊपर रेड वाला हर चलेगा। तो हाँ मैं आई हूँ यही सब देखने, साफ़ सफाई करने। आज इतना ज़्यादा कूड़ा था, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा था सारा सामान जाने की वजह से। अभी जो कि टाँग के सामान कुछ भी नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं, सारे ऐसे पड़े हैं। और अभी ये पुराना वाला फ्रिज मेरा देखिए इसकी हालात क्या है। और ये देखिए अलमारी पे मेरे सामान कैसे पे, ये सब कबाड़े बेचने वाले हैं कि जब भी आएंगे कभी कबाड़े वाले भैया लोग आएंगे तो उसी समय बेच उठे हटा देंगे, ये वहाँ पे जानेगा नहीं। तो सारा कूड़ा कबाड़ा यहाँ भरा हुआ है। और अब मैं चलती हूँ ऊपर और फ्रिज की भी हालत में थोड़ी सी आप लोग को दिखाती हूँ क्या हुआ। ये देखिए फ्रिज तो हमारी ठंडी है बट वो ठंडी नहीं है जो होना चाहिए। बर्फ़ जमता था तो बर्फ़ नहीं जम रहा है, बहुत बुरी हालात में है। ये थी फ्रिज, बस फ्रिज उस समय हमें बहुत ज़रूरत थी बट मैं नहीं खरीद रही थी इसी कारण कि जब मैं न्यू घर में जाऊंगी तो न्यू फ्रिज लूंगी। तो चलिए ऊपर देखते हैं। और मैं इस हालात में हूँ, मैं मैक्सी पहनी हूँ, मैक्सी पहन के मैं यहाँ सफाई की हूँ, सूट उतार के रख दी हूँ जैसे होते हैं काम करने वाले जाते हैं कहीं कहीं तो अपने कपड़े उतार के न्यू रख देते हैं, पुराने पहन के काम करते हैं। तो वही हालात मेरे हो गए। उधर मेरा दुपट्टा टंगा हुआ बहुत पुराना सा है, बच्चों का बेल्ट वगैरह है। तो चलिए चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या क्या है अभी। तो आई होप मैं चल रही हूँ अपने सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ। देखिए किस हालात, जैसे मैं पहले चढ़ती थी आप लोग को वीडियो बनाती हुई दिखाती थी। तो यहाँ पे काफ़ी उजाला है, चेहरा समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ऊपर के हालात भी मैं दिखा दे रही हूँ कितनी बुरी हालात है कमरे के। ये देखिए सारे सामान बिखरे हुए, कूड़े कबाड़े पड़े हुए और कितनी बुरी हालात में है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहला वीडियो जो मेरा बना था पहले नहीं चला थी, बंद कर दी क्योंकि वो मोबाइल मुझे मालूम नहीं था, उस मोबाइल से स्टार्ट की थी तो वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया 2-3 वीडियो बनाने के बाद। तो उसमें आईडी वो सब सारा सेमेट हो गया। तो पहला वीडियो मेरा यहीं पर बैठ के बना था बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ाते हुए तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी याद आएंगी। और यहाँ देखिए सारे सामान कैसे फैले हुए, यहाँ मैं सोती थी भी और यहाँ मैं वीडियो भी बनाती थी। उजाला थोड़ा सा आता था, बस रूम थोड़ा सा फैला फैला रहता था। बीबो ये पापा का शर्ट ले चलना है। तो अभी जो कि अलमारी के मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, देखिए अलमारी इसी तरीके से जैसे भरा पड़ा था उसी तरीके से भरा हुआ, यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये सब अलमारी के कपड़े अभी कुछ देखते हैं क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही, हिम्मत नहीं ले रहा है क्या करें सच में कितनी बुरी हाल हो चुकी है। इसी हालात में फिर मुझे कपड़े चेंज करके वहाँ जाना, चलिए अभी देखते हैं क्या क्या कैसे कपड़े कौन से लेने हैं। तो जी मैं देख के लेती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। आई हो क्या, ले आओ जाओ, अब हम दोबारा में नहीं चलेंगे। निकालो, हम ला रहे हैं। ये दीदी खो जाएगी पिंटू को जो कि नहीं लाई थी। पिंटू
नोट कर लेती, चला इसका पानी आ जाए, इसका पानी आ जाएगा लिक्विड। ये ब्लू वाले का है जिसका भी और लेती, चलना ले गए मैं इसमें। ये अब मैं यहाँ थोड़ा बैठ गई हूँ, देखती हूँ कौन कपड़े जाने वाले हैं कौन नहीं जाने वाले। ये विंटर के हैं तो ये तो जाएगा ही, अभी न्यू है ये। बच्चों के कपड़े के पीछे भी सोचना पड़ता है, ये भी जाएगा, दीदी का बर्थडे है, ये नहीं जाएगा, ये टी शर्ट नहीं जाएगा, मेरा टी शर्ट वो नहीं जाएगा। क्यों? वो मुझे बहुत पसंद है। ये आपका पोचू है जो जाएगा। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ले जाने हैं, कुछ नहीं है जो नहीं ले जाने हैं, बट उसको हाँ रख लो। ये नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, ये पैंट चलेगा बाबू को पहनने को, हल्का चाहता है इसको। ये तकिए की खोली चलेगी, ये भी नहीं जाएगा, ये बोल रही थी वाइट कुर्ती, नहीं वो भी कुर्ती नहीं जाएगी, तो उसको उधर रखो। ये दुपट्टा हमको रोज सुबह जाना रहता है छत पे, मारेंगे दुपट्टा पट्टा नहीं जाएगा, ले ला नहीं यार पूजा करने जाते हैं तुम्हारा छोटा दुपट्टा ही नहीं चाहिए भाई, जो कि ये लेके जाएंगी भगवान जी को जल देने। और मैं एकदम पसीने पसीने हो गई हूँ, लो रख लो, रख लो भाई रख लो। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैं सारे कपड़े जो थे हमें ले आने थे उसमें मैं सब छाट बरा रही थी, कौन ले जाना कौन नहीं ले जाना, और जो नहीं ले जाने लायक होगा मैं यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि बाद में आऊँगी तो या तो मैं गरीबों में या दशाश्वमेध घाट वगैरह कहीं भी दे दूँगी, या तो नहीं दे पाऊँगी तो फिर मैं ऐसे बर्तन वगैरह भी ले सकती हूँ, लेकिन बट टाइम की बात है, टाइम पर मैं आ सकूँ तभी मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं वो छोटी बेटी थी वो दोनों लोग बैठ के, हम वो दोनों बैठ के कपड़े को सेट कर रहे थे। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आज मैंने अपने पुराने घर का पूरा इस तरीके से टूर कराया, जिस तरीके से पूरे बिखरे हुए पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैं देखे काम, और मैं यहाँ अपनी ये नाइटी रखी थी, वही नाइटी मैं पहन के यहाँ पे आई थी, सूट पहन के आई थी, मैं नाइटी उतार दी, सूट और नाइटी को पहन के मैं इस गर्मी, क्योंकि इस रूम में फ़ैन नहीं है, फ़ैन निकल के चला गया है और काफ़ी गर्मी हो रही है, और मैं पसीने पसीने हो चुकी हूँ। यहाँ देखिए मेरे चेहरे की क्या हाल हो गई है, बैंड बज गया है, बाल को मैं एक पुण्य की तरीके से क्लचर लगा ली हूँ करके,
तो यहाँ पे आप लोग इंजॉय करिए और चलिए देखते रहिए मैं किस तरीके से क्या करूँ। सारे कपड़े एक एक सोचना पड़ा, अभी बहुत कपड़े हैं जो इस तरीके से पड़े हैं। तो चलिए, हम अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मिलेंगे हम फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये देखिए ये औरत कैसे कितने अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ पे